होला लगा सारा एक साफ कर ले तब इंजन चालू करी। फिर बाबू साहब करे बाद हम कहे तनिक नीचे से जब कपड़ा माचिस बारे भपका दे पूरा जाला साफ जल गया। जब भपका दिन पूरा जाला साफ हो गया करे बाद हम कहे देख तई परेशान नहीं हो इंजन हम चालू करब तई कंप्रेसर पकड़। हमार मेहरारू कहा ठीक है लेकिन अब की बार इंजन चालू न भवम तो समझ ले बहुत बुराई आई जाए। हम गांव वाले ने बुलाए लिया वंशी इंजन चालू करवाओ। सही कहा उसने। हाँ हम कहे पागल यह घर गांव वाले के बुलाओ तो हमारे बेइज्जती होए कहीं देखा है तो ना हष्ट पुष्ट लौटा साला ये इंजन ना चालू होत बाटे। हाँ तो करे बाद बाबू साहब हमार मेहरारू कंप्रेसर पकड़ ले जब। अच्छा जब मेहरारू कंप्रेसर पकड़े पास हम इंजन चालू करे लगे अब बाबू साहब हाथी मारे जैसे दो तीन हाथी मारे इंजन चालू। बाबू साहब इंजन जब चालू हो गया लगा जब इंजन चालू हो गया घर 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 लगा पानी फेंके अब इतना पानी फेंके लाग साला कि पूरा मेरे बराबर पानी हो गया खेत। यानी नाली के बाहर पानी दे रहा था अब नाली के बाहर पानी जाएगा। अब इधर उधर जब पानी बहाई लाग हम कहे साला ना हो फरुहा लेके मेड़ अपन बांध दे। बाबू साहब जब फरुहा लेके हम सोचे मेड़ बांध दे बाबू साहब जब फरुहा इधर उधर टोवत है तो हमारे कुछ समझ में आई छाला। हम कहे छाला हमारे कहा इधर उधर भीगा समझ में आवा था। जब तनी तनी आँखी मुलमुलाए देखा कही छाला हम खटिया पो लड़ा हम सोचा था ये कवन इंजन चालू होएगा साला पूरा बाबू साहब का बताए हम सपन देखत रहे सपन आराम खोसा ले साला आधा घंटा खा गया साला हमें सपने की बात बता रहा है। बाबू साहेब हम सपन देखते रहे सपन के बाद बतावत रहे हमार गलती माफ कर दे बाबू साहेब साला पूरी समय भेट कर दिया हमका ना पता रहन हम सपन देखते रहे ना इतनी समय खा गया साला कह रहा है मैं स्वप्न देख रहा था। बाबू साहब हमार गलती माफ कर दे आज के बाद ऐसे गलती कभी न करबई। कोई बात नहीं है बेटा अब मैं तुम्हारी गलती को माफ किया। हाँ अब काम की बात करो बे। काम की बात अनुराग। हाँ बाबू साहब तुम जानते हो मुझे मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ लेकिन उन लोगों को पता नहीं है। सही है मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ बाबू साहब। अनुराग जी बाबू साहब आज एक काम करो। हाँ माय इंट्रोडक्शन इन लोगों को दो। आपका अंट्रो अंट्रोल नहीं माय इंट्रोडक्शन यानी मेरा परिचय। अच्छा आपका परिचय बता दो इन लोगों से। देखा बाबू साहब हम तोहर नौकर तोहर गुलाम इतना बड़ा हैसियत हमार ना है कि हम तोहर नाम और पता बताई आप स्वयं अपने मुखारविंद से अपना नाम और अपना परिचय बता देंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बहुत याराना रे अनुराग बहुत याराना बेटा आज तुमने वही करके दिखाया है जैसे एक नौकर का फर्ज बनता है। आज मेरा परिचय बताने में समर्थ है बाबू। तो ठीक है अपना परिचय मैं स्वयं देता हूँ। अनुराग बाबू मेरी बात ध्यान देकर के सुनो। इधर मशहूर बैठे हैं अरे इधर मशहूर बैठे हैं इधर मजदूर बैठे हैं सबको नमस्कार पहुंचे जो मुझसे दूर बैठे हैं। ये जमीन ये आसमां सारा जहां मान है अरे मैं हूं भगवान यहां का मुझसे बढ़कर कौन है। अनुराग बाबू साहब तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं। हाँ।
और इन लोगों को पता नहीं है। जली को वह कहते हैं, और जली को वह कहते हैं, बुद्धि को राख कहते हैं, उसी राख के बारूद का बना हुआ जिसे बाबू पृथ्वी राज कहते हैं। माई डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़, ग्राम इज पिपरी, माय नेम इज बाबू पृथ्वी राज सिंह। साथियों, मैं घर में दो सदस्य इस समय हो, मैं हूं और हमारी एक बेटी है जिसका नाम सपना है। सपना मेरी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। साथियों, आज 30 वर्ष पहले की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। हमारा परिवार बहुत गरीबी में पल रहा था। हमारे पिताजी इसी पिपरी में एक जमींदार थे, धर्मपाल सिंह। उनके यहां हमारे पिताजी एक नौकर की हैसियत से काम करते थे। उसके बाद मेरे पिताजी से ना मालूम ऐसी कोई गलती हो गई, को जमींदार हरामखोर हमारे पिताजी के मुख में काली पोत करके पूरे शहर में घुमाया। घुमाने के बाद मेरे पिताजी को छोड़ दिया। ये बात हमारे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए साथियों, यहां तक कि मेरी माता और मेरे पिता जहर खा करके अपनी जान दे दिए। साथियों, उस समय मैं 6 वर्ष का था, सब बातें मैं देख रहा था। धीरे धीरे साथियों, मैं जब छयाना हुआ तो मैंने कसम खाया कि वारे जमींदार, इस अपमान का बदला मैं तुमसे ना चुकाया तो मेरा नाम पृथ्वी राज सिंह नहीं। एक दिन की बात है अनुराग, मैं जमींदार की हवेली को पहुंच गया। हाँ। अपने हाथ में 2 नाली बंदूक लेकर के गया। देखा कि वो जमींदार 2 पुरानी बाहर बैठे हुए थे। मैंने कुछ नहीं समझा, बिचारा अपनी 2 नाली बंदूक को उठाया, दोनों हराम जादे को गोली। उसके पास 2 बच्चे थे। ये बड़े लड़के का नाम पंकज और शंकर, ये दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। ये दोनों बच्चे बगल में खेल रहे थे, जब गोली की आवाज सुने हराम जाते तो भाग करके मेरे पास आ गए। मैंने क्या किया जानते हो? इन दोनों बच्चों को उठा करके ले जा करके घसीटते हुए पहाड़ी से फेंक दिया हराम जाते को। ना रहेगा बांस ना बजेगी। और दोनों पति और पत्नी को, दोनों को उठा करके उनकी दोनों लाश ले जा करके गटर में डाल दिया। पंकज और शंकर इसी पिपरी गांव में रह रहे हैं। इन दोनों के पास इतनी धन दौलत है, ये सब देख करके मुझे बहुत लालच बस रही है बे। मैं सोच रहा हूं इन दोनों का काम तमाम कर दो, इसकी भी रियासत मेरे नाम आ जाए। और इसी सपना मैं सजा करके बैठा हूं कि जब जिस दिन दोनों बच्चों का काम तमाम कर दूंगा, उसी दिन मुझे चैन की नींद आएगी। अनुराग, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज मेरे पास हमारी बेटी सपना ने फोन किया था, पिताजी मैं अपने घर आ रहे हूँ पढ़ाई करके। हाँ। चले जाओ रेलवे स्टेशन पर। हाँ। हमारी बेटी सपना आ रही है। हाँ। उसे लिवा करके साथ में तत्काल हाजिर हो जाओ। मतलब हम जाए स्टेशन पर चली जाए क्या ही? हाँ, हमारी बेटी सपना आ रही है। अच्छा। पढ़ाई करके आ रही है बे, पढ़ाई कर जाओ, उसे लिवा करके साथ में आओ। रेले से आ रही है? रेले नहीं, साले रेलगाड़ी से। जाओ रेलवे स्टेशन पर। अच्छा। जाओ बहन, हमारी बेटी सपना को लिवा करके आओ। बैलगाड़ी से नहीं आवती है? नहीं बेटा।
ऐसे बोला जाता है अनुराग? तब का कहा थे जब केहू से मिले तू हाथ होठ मिलाए बोल तू नहीं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बाबा पढ़ाई लिखाई कैसे चलाता है तोरे कलेजे का हाल बा? कलेजे खाल तो नहीं ठीक है लेकिन फेफड़ा खाल जरूर ठीक है। कॉलेज बोलते हैं वह कॉलेज। क्या पापा इंतजार कर रहे हैं मुझे? हाँ बाबू तो अंदर बैठा है। बैठे हुए हैं बारांडा में बारांडा में। हाँ मुलाकात करे चाहती है बाबू से? हमेशा मजाक करते रहते हो। का करी तो उसी ने करे तब कैसी करे पगला। चलो पापा पिताजी के चरण में बेटी सपना का प्रणाम सब किया। क्या बेटी सपना आ गई? बिंटी आ गई सारी बिट्टी आ गई। हाँ। तो बिंटी क्या है बे? हाँ। अनुराग कब तुम्हारे दिमाग में आएगा बे? करी हम ज़्यादा बिट्टी आ गई। ए बाबू है जमन बात हुई बेटा वो चाप चाप पूछा। चाप चाप पूछ है साफ साफ। हाँ। जब तोसी पूछब तब बताया अल्लाह साथ बैठे खड़ा हो जाए बेकूफ साले। पिताजी बोलो बेटी क्या बात है? आप बैठिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? बेशक कहो बेटी बेशक कहो। चरणों में सपना नहीं बताएंगे? जानना चाहती हो सपना मेरी बात सुनो गौर से। अरे मुझे जैसा कोई नहीं दुनिया में भगवान।
को दुनिया में भगवान करके बेटी मेरा कर दिया अपमान, कर दिया मेरा अपमान चरा आज तुझको शर्म ना आई, आगे उगलती सपना मेरी जरा शर्म ना आई। आज के बाद किसी दूसरे भगवान का नाम तुम्हें नहीं लेना होगा, आज के बाद तेरा भगवान मैं हूं, आज के बाद तेरी पूजा तू मेरी पूजा करेगी और किसी दूसरे की नहीं करेगी। पिताजी आज आपको अचानक क्या हो गया, आप अपने को भगवान मान रहे हैं, क्या मैं आपकी पूजा करूं? बाबू का हुई कि वह हम ना समझते है कौनो कुछ पायन का कहूँ गए कौनो शक्ति पायन की केहू को पूज ले आए अब का कहता है कि आज के बाद भगवान हम है हमारे पूजा करूँ। ये बतावा बाबू, ए बाबू जब बिटौआ तोहार पूजा करे और मेरे सामने किसी भगवान की पूजा नहीं होगी बे, आज के बाद पूजा होगी तो मेरा होगा। बत्तिया कहाँ खोसा, बत्तिया कहाँ खोसे सर, जहाँ बत्ती खोसा जाता है वहाँ खोसेगा नहीं, हम कहें अगर और कहूँ जगह नहीं साले मेरे सर पे। बोलो सपना क्या कहना चाहती हो? आज आपको क्या हो गया है, आप अपने को भगवान मान रहे हैं? देखिए बोलो, आज मुझे मेरे की माँ की बहुत याद आ रही है, मेरी बात सुनिए। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती, मुझे मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती, और मुझे ना समझिए पिता माँ की याद आने लगी कि आप मुझे अपने आप को भगवान बन रहे हो और आपकी पूजा करने के लिए कह रहे हो, लेकिन पिताजी ये कभी नहीं हो सकता, मैं सदैव भगवान की पूजा की हो करती रहूंगी, आपकी पूजा मैं कभी नहीं करूंगी। सपना तू क्या कर रही है, मेरी बात सुन। अरे नहीं कोई भगवान दूजा हमारे, नहीं कोई भगवान अरे दूजा हमारे, अरे पूजा करो बेटी हरदम हमारे। हमारे ये हर दम हमारे पूजा
थी मैया तुम्हारी, अरे शिव की पुजारनी थी मैया तुम्हारी, अरे कहा मान जाओ ये बेटी हमारे। सपना मेरी बात मान जाओ, आज के बाद मैं जो कहूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। पिताजी मेरी माँ शिव जी की पूजा करती थी ना, तो मैं भी शिव जी की पूजा करूंगी, लेकिन आपकी पूजा कभी नहीं करूंगी। सपना सोच ले समझ ले, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी कसम भोलेनाथ की, जिस तरह तेरी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है उसी तरह से तू भी यहां से चली जाएगी। पूजा करना होगा तो तुझे मेरा करना होगा, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तू मेरा पूजा नहीं करेगी? नहीं करूंगी। हरामजादी सपना, मजबूरन मुझे हंटर उठाना पड़ेगा, बात मान जाओ। कुछ भी करो पिताजी, लेकिन मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानेगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी। मैं तरस खा रहा हूं हरामजादी, मान जाओ नहीं हम तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने देंगे। सपना पिताजी मैं भी कह रही हूँ आप जीतती है तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी जीतती हूँ, मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगी। अबे ऐ अनुराग, अनुराग ऐसा है बे इधर आओ, जाओ मेरे आलमारी में पॉइजन रखा हुआ है, इसकी आंख में डाल दो हरामजादी के, दोनों आंख की अंधी हो जाएगी, दार बाजार की ठोकर खाएगी हरामजादी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसी। जब ये अंधी हो जाएगी तो किसी की पूजा करने के लायक नहीं रहेगी, जाओ पॉइजन लेकर के आओ। ये हरामजादी पूजा करेगी भगवान की, मेरा पूजा नहीं करेगी। पॉइजन लेकर के आओ बे, बहुत जल्द लेकर के आओ। हाँ हमारे अलमारी में पुड़िया में रखा हुआ है। सपना मान जाओ बेटी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जिंदगी भर बहुत पछताओगे। कुछ हो जाए लेकिन मैं आपको भगवान नहीं मानूंगी। पागल हो गई है, जिस तरह से तेरी माँ दुनिया छोड़ करके चली गई है उसी तरह से तू भी मर जाएगी रे, इसलिए मैं कहता